हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन इन द 13th लेक्चर सीरीज ऑफ ग्रामर ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। आप सभी का स्वागत, आप सभी का अभिनंदन। एक्चुअली हमने जो एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा था, उसमें से डे 12 में यानी लास्ट लेक्चर में मैंने फॉरमोस्ट एंड फर्स्ट के यूसेज को समझाया था, यानी लास्ट टॉपिक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट की थी। आज उसी टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद की टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है लेस एंड फ्यूअर, आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है लेस एंड फ्यूअर। गॉट द पॉइंट? समझिए इस बात को, लेस एंड फ्यूअर। सिंपल सा बात समझेंगे, लेस जो यूज होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। किस नाउन के साथ होता है? अनकाउंटेबल नाउन। एंड फ्यूअर जो है ये काउंटेबल नाउन के साथ होता है। बात समझ में आ गया? एक काउंटेबल नाउन एंड दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। तो जब जब आप लेस का यूज करेंगे वो नाउन अनकाउंटेबल होगा, जब जब आप फ्यूअर का यूज करेंगे वो नाउन काउंटेबल होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ये चीजें क्लियर हो सके। फर्स्ट एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है ही नोज लेस देन 5 languages। बात समझ में आ रहा है? तो मैंने लिखा, आप ये देख पा रहे हैं कि वो 5 languages की बात कर रहा है और आपने यहां पे लेस का यूज किया, ये गलत का है। यहां पे आप क्या यूज करेंगे? फ्यूअर। बात समझ में आ रहा है? तो जब हम लेस का यूज करते हैं तो अनकाउंटेबल नाउन का यूज करेंगे, और जब फ्यूअर का यूज करेंगे तो अनकाउंटेबल नाउन का यूज करेंगे। सॉरी, फ्यूअर के साथ काउंटेबल एंड लेस के साथ अनकाउंटेबल। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसके और एक एग्जाम्पल को लेते हैं। स्क्रीन पे आपका एक दिख रहा होगा, ही नोस लेस ऑब्लिक फ्यूअर देन 5 languages, यही एग्जाम्पल है। तो आप देख रहे हैं लेस को मैंने वहां पे इनकरेक्ट रखा है एंड फ्यूअर को सेलेक्ट किया है। एग्जाम्पल नंबर 2 अगर देखेंगे तो लिखा हुआ है नो लेस ऑब्लिक फ्यूअर देन 30 वर्कर्स ऑफ दिस विलेज वर किल्ड इन अ ट्रेन एक्सीडेंट। तो नो लेस देन 30 वर्कर्स की बात कर रहे हैं आप, तो 30 वर्कर्स इट मींस काउंटेबल, और अगर वो काउंटेबल है तो फिर आप क्या यूज करेंगे? फ्यूअर देन। क्लियर है? आइए, ये टॉपिक क्लियर होता है लेस एंड फ्यूअर का। अच्छा, किसी को ये कह सकते हैं क्या, यू हैव लेस सेंस या फ्यूअर सेंस? तो सेंस काउंटेबल नहीं है ना, इसलिए आप कहते हैं यू हैव लेस नॉलेज देन मी, यू हैव लेस सेंस। तो जब आप लेस का यूज करते हैं तो फिर नाउन का कैटेगरी जो होगी वो अनकाउंटेबल होगी, एंड जब आप फ्यूअर का यूज करेंगे तो काउंटेबल होगा। गॉट द पॉइंट? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एल्डर एंड ओल्डर का। क्लियर है? एल्डर एंड ओल्डर, तो नॉर्मली इसकी जो कॉन्सेप्ट है आप ये समझ लीजिए, एल्डर का सेंस ना बड़े, जैसे एल्डर जो है वो अपने फैमिली मेंबर में बड़ों को एल्डर कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? और दूसरा ओल्डर, तो हो सकता है वो पुरानी चीजों की बात करे या उम्र में बड़ा हो, ओल्डर वहां भी लगाते हम लोग। तो याद रहे ओल्डर के साथ कंपैरिजन होता है, एंड एल्डर जो कहते हैं ना, बस एल्डर ये सेंस देता है कि वो मेरा बड़ा भाई है। अगर वो मुझसे 5 साल बड़ा है तो एल्डर का यूज नहीं करेंगे, ओल्डर का यूज करेंगे कि वो मुझसे 5 साल बड़ा है। ही इज ओल्डर देन मी बाय 5 years, ऐसे कर सकते हैं सेंटेंस को। तो पहला सेंटेंस आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ही इज एल्डर टू हिज फ्रेंड्स। तो आपने ये देखा कि एल्डर के साथ अगर प्रेपोजिशन है तो टू, एंड ओल्डर के साथ अगर टर्म है तो क्या लगाएंगे? देन। ये छोटी बात है, याद रखना है। बेसिकली यहां पे उतनी कंपैरिजन सो नहीं होता है जितना ओल्डर के साथ कंपैरिजन हम लोग करते हैं। बात समझ में आ गया? तो क्लियरली ये बात समझना है कि एल्डर प्रेपोजिशन टेक्स प्रेपोजिशन टू एंड ओल्डर देन। एग्जाम्पल नंबर 2 अगर देखे आप, माई फादर इज ओल्डर इन माई फैमिली, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मेरे पिताजी मेरे फैमिली में सबसे ओल्डर हैं, यानी उम्र में सबसे ज्यादा हैं। तो एल्डर इन माय फैमिली तो आपने नहीं कहा, ओल्डर कहा, यानी उम्र का आप ये बता रहे हैं कि वो मेरे फैमिली में सबसे बड़े हैं। तो
तो ओल्डर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर थ्री, आई एम ओल्डर देन योर ब्रदर बाय थ्री इयर्स, सही तो है कि मैं आपके भाई से तीन साल एल्डर नहीं हूं, आपके भाई से तीन साल बड़ा हूं, यानी ओल्डर। बताया था अभी कि डिफरेंस दोनों में। नेक्स्ट है, दिस इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। आप कह सकते हैं कि दिस इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज, यानी जितनी लैंग्वेज है उसमें से सबसे पुरानी लैंग्वेज ये है। तो आप वहां पे ओल्ड का ही फॉर्म आपने क्या यूज कर लिया, ओल्डेस्ट। तो डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि वो मेरी बड़ी बहन है, वो मेरा बड़ा भाई है, हमारे घर में सबसे बड़े वो हैं, तो फिर ओल्डर। बट आप जब ये कंपैरिजन करते हैं कि he is my elder, वो मेरा बड़ा भाई है, she is my elder, वो मेरी बड़ी बहन है, तो एल्डर का तो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर है। दिक्कत यहां आती है कि सर ओल्डर मतलब बड़ा भी होता और पुरातन चीजों के लिए भी ओल्डर का प्रयोग करते। तो टोटल चार पांच एग्जाम्पल में से ये क्लियर हो गया होगा कि एल्डर एंड ओल्डर हम लोग किस प्रकार से यूज करेंगे। क्लियर है, आइए नेक्स्ट टर्म को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कुछ कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस आते हैं, है ना। स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस क्या होता, मैं आपको ये बात बता दूं कि एग्जाम में इस स्ट्रक्चर पे क्वेश्चंस आया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब फिर नाउन लेते हैं, फिर एडजेक्टिव का प्लेसमेंट होता है, फिर प्रपोजिशन लेते हैं, है ना, प्रपोजिशन देन नाउन। इस स्ट्रक्चर पे ऐसा नहीं कि गलत है, आपको लग रहा होगा सर नाउन पहले आ गया और एडजेक्टिव बाद में जा रहा है, नाउन पहले आ गया और एडजेक्टिव बाद, एक्चुअली एडजेक्टिव से तो मतलब नाउन से पहले एडजेक्टिव आना चाहिए था। तो ये स्ट्रक्चर इस मायने में सही है, सेंटेंस आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैं लिखूं ही इज अ गुड स्टूडेंट, अगर आप ऐसे लिखते हैं ही इज अ गुड स्टूडेंट, तो ये तो सही है कि वह एक अच्छा विद्यार्थी है, स्टूडेंट नाउन, इससे पहले आपने एडजेक्टिव का यूज कर लिया। बट अगर आप ऐसे लिखते हैं ही इज अ स्टूडेंट गुड इन द क्लास, समझिएगा इस बात को, ही इज अ स्टूडेंट गुड इन द क्लास, एक्चुअली पहले आप ये बताना चाह रहे हैं कि सब्जेक्ट वर्ब के बाद नाउन का प्लेसमेंट, सब्जेक्ट वर्ब और नाउन का प्लेसमेंट। जब सब्जेक्ट वर्ब एंड नाउन का प्लेसमेंट आपने रखा तो मैंने कहा था इसके जस्ट बाद एडजेक्टिव का प्लेसमेंट रख सकते हैं, तो गुड यहां क्या बन गया, एडजेक्टिव हो गया, और फिर इन क्या है, प्रपोजिशन है, और इस प्रपोजिशन के बाद फिर क्लास आपने एडवर्ब ऑफ प्लेस या नाउन है। तो समझ में आ गया कि इस तरह के भी स्ट्रक्चर सही माने जाते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर वन अगर देखेंगे तो सी इज अ गर्ल डियर इन हिज फैमिली, तो सी इज अ गर्ल, गर्ल नाउन, फिर आपने डियर रखा, डियर एडजेक्टिव, देन इन प्रपोजिशन, गॉट द पॉइंट। एग्जांपल नंबर टू, ओनली रवि इज द वर्कर ऑनेस्ट इन दिस फैक्ट्री, ओनली रवि इज द वर्कर ऑनेस्ट इन द फैक्ट्री, रवि को आप इंडिकेट कर रहे हैं, फिर उसकी क्वालिटी ऑनेस्ट बता रहे हैं, फिर इन प्रपोजिशन लगा रहे हैं, एंड द फैक्ट्री एडवर्ब ऑफ प्लेस या नाउन। ये जो मैंने नाउन लिखा वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, समझ में आ गया पूरी तरह से। तो खैर वो ध्यान नहीं रखना है, ये नाउन ही मान के चलना है कि वो नाउन है। आइए एक और रूल आगे बढ़ते हैं, एक क्लास एग्जांपल है, ही इज अ बॉय गुड इन हिज क्लास, वही क्वेश्चन जो मैंने स्टूडेंट वाला लिखा। तो इस स्ट्रक्चरल टर्म्स में एग्जाम में कभी क्वेश्चन आते हैं तो वहां ये नहीं समझना है कि सर नाउन पहले आएगा एडजेक्टिव पहले आएगा, इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं। यू आर स्टूडेंट ऑनेस्ट इन योर बिजनेस, या फिर यू आर अ मैन ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग्स, कुछ भी कह सकते हैं। तो जब आप ये कहते हैं कि सेंटेंस में वो वर्ड आती है जिसको आप डिग्निफाई कर रहे हैं, तो वहां पे इस तरह का स्ट्रक्चरल काम आता है। क्लियर है, आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट रूल है, यूज एडजेक्टिव विद वर्ब ऑफ सेंसेशन। सेंसेशन का मतलब जो हमारे सेंस ऑर्गन है, इनसे जो टर्म्स को हम यूज करते हैं, तो वर्ब के साथ तो एडवर्ब आती है, लेकिन जब वर्ब ऑफ सेंसेशन की बात हो जाए
तब फिर हम उस केसेस पे एडजेक्टिव का भी प्रयोग करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल नंबर वन को देखते हैं। पहला वन है, पहला एग्जाम्पल है आई फील गुड। आप देख पा रहे होंगे फील जो है ना ये वर्ब है, और वर्ब के बाद का प्लेसमेंट क्या होना चाहिए था, एडवर्ब, लेकिन आपने क्या लगाया गुड। यही तो रूल है कि वर्ब ऑफ सेंसेशन, जो आप सेंस ऑर्गेन से कोई फंक्शन करते हैं ये वर्ब ऑफ सेंसेशन है, ज्ञान इंद्रियों से जो आप क्रिया करते हैं, तो इस क्रिया के बाद क्रिया का विशेषण तो एडवर्ब आना चाहिए, बट एडजेक्टिव का प्लेसमेंट होता है, ये आप जान करके रखेंगे। आई फील गुड, आई फील गुडली ये कोई शब्द नहीं है। एग्जाम्पल नंबर टू, इट सीम्स कोल्ड। अगर सेंटेंस ऐसा लिखता इट सीम्स कोल्ड ऑब्लिक कोल्डली, तो आप क्या प्रेफर करते? सिंपल सा बात है, सिम करना, ऐसा प्रतीत होना, यानी ये भी वर्ब ऑफ सेंसेशन है, और वर्ब ऑफ सेंसेशन के बाद हम एडजेक्टिव का प्लेसमेंट रखते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। समझ में आ गया? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी लुक्स ब्यूटिफुल। सी लुक्स ब्यूटिफुल, लुक्स देखिए आपने लुक्स यूज किया, सी लुक्स ब्यूटिफुल, क्या ब्यूटिफुली शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते? अब बताइए ब्यूटीफुल लेंगे या फिर ब्यूटीफुली शब्द का प्रयोग करेंगे? तो सिंपल बात है, लुक्स कैसा है तो वर्ब ऑफ सेंसेशन है, ज्ञान इंद्रियों से जो क्रिया होती है, और वर्ब ऑफ सेंसेशन के बाद हम रूल में पहले इंडिकेट मैंने किया एडजेक्टिव को लेंगे, एडवर्ब को नहीं लेंगे। क्लियर है? बट अगर ऐसा क्वेश्चन हो उसने अच्छा लिखा तो फिर ब्यूटीफुल नहीं लेंगे, ब्यूटीफुली लेंगे। क्लियर हो गया? इट स्मेल्स स्वीट, ऐसा कभी कहा आपने? इट स्मेल्स स्वीटली, ऐसा तो नहीं हुआ। क्लियर है? तो इस तरह से जो कॉन्सेप्चुअली टर्म थे वो क्लियर हो गए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन के सेक्शन को। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जैसा आप ऑलरेडी समझते हैं कि एडजेक्टिव में डिग्री की इंपॉर्टेंस होती है, तो फर्स्ट डिग्री जो है वो है पॉजिटिव डिग्री, नेक्स्ट इज द कंपैरेटिव डिग्री, एंड द लास्ट इज सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री में अगर मैं कोई शब्द रखूं, सपोज नॉर्मल एक वर्ड मैंने गुड रखा, तो नेक्स्ट इसका कंपैरेटिव बेटर होगी एंड द लास्ट इज बेस्ट। सिंपल बात समझिए, पॉजिटिव डिग्री नो कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री एक का कंपैरिजन दूसरे के साथ, एंड सुपरलेटिव डिग्री एक का कंपैरिजन बहुतों के साथ। तो पॉजिटिव देयर इज नो एनी कंपैरिजन, नो कंपैरिजन, नेक्स्ट इज कंपैरेटिव डिग्री एंड द लास्ट इज सुपरलेटिव। कंपैरेटिव एक का तुलना, एक वन वर्सेस अदर, यानी एक की तुलना दूसरे के साथ होती है, और यहां पे वन वर्सेस ऑल का कॉन्सेप्ट लेंगे हम लोग, यानी एक की तुलना बहुतों के साथ। इस प्रकार से कुछ मैंने एक दो वर्ड्स डिग्रीज फॉर्म में रखा है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नॉर्मली मैं पहले उसे रीड आउट करता हूं फिर रूल पे आएंगे। क्लियर है? तो पॉजिटिव ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, एंड इंडस्ट्रियस, मोर इंडस्ट्रियस, एंड मोस्ट इंडस्ट्रियस। इस तरह की लिस्ट आपके किताबों में है, एक बार उसे आप रीड आउट करें। आइए रूल नंबर वन की ओर बढ़ते हैं। रूल नंबर वन ये कह रहा है कि एज या शो के बाद आप पॉजिटिव डिग्री रखेंगे, है ना? एज या शो के बाद पॉजिटिव डिग्री प्लस एज देन सब्जेक्ट रखेंगे, ये रूल नंबर वन है। इसी तरह से एक और मैंने लिखा कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद, कंपैरेटिव डिग्री आप जब भी प्रयोग करते हैं फिर इसके साथ देन लेते हैं, देन सब्जेक्ट लेते हैं। तो ये रूल नंबर वन का ही पार्ट है, एज प्लस शो के बाद पॉजिटिव डिग्री, देन एज प्लस सब्जेक्ट, फिर कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन प्लस सब्जेक्ट। पहला एग्जांपल देखेंगे, आई एम एज टॉल एज ही ऑब्लिक हिम। तो सेंटेंस भी पॉजिटिव है, सिंपल बात समझिए, जब आप एज का प्रयोग करते ना, शो एज, जब आप एज का प्रयोग करते एंड शो एज का यूज करते हैं, तो जनरली एज है ना, जनरल पॉजिटिव सेंस में और नेगेटिव में भी आती, बट
सो एज जब भी होगा तो ये नेगेटिव सेंस में ही आएगा, आप इसे पॉजिटिव में नहीं रख सकते। तो पहला एग्जाम्पल देखेंगे, आई एम एज टॉल एज, सिंपल आप इस बात को समझ रहे होंगे, एज टॉल एज, एज टॉल का कंपैरेटिव टॉलर एंड द लास्ट इज सुपरलेटिव टॉलेस्ट, तो एज के बाद पॉजिटिव डिग्री आपने ले लिया, फिर एज रखा, बात है कि क्वेश्चन है आई एम एज टॉल, एम आई सब्जेक्ट है, आई के अकॉर्डिंग अगर कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ है तो बाद में सब्जेक्ट लेंगे, तो ही और हिम में से किसे प्रेफर करेंगे आप, यानी आप प्रेफर करेंगे ही को, समझ में आ गया। तो एज वाली कॉन्सेप्ट क्लियर, शो वाला नेगेटिव सेंस में ले लेंगे। एग्जाम्पल नंबर टू लिखा हुआ है, सी इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज आई ऑब्लिक मी, तो चूंकि सेंटेंस नेगेटिव है सो एज आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से शो एज की जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर होता है। एंड द लास्ट थर्ड एग्जाम्पल इज आई एम स्ट्रॉन्गर देन ही ऑब्लिक हिम, आई एम स्ट्रॉन्गर, ये कंपैरेटिव डिग्री है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गेस्ट, तो फिर कंपैरेटिव डिग्री के जस्ट बाद हम क्या लेते हैं देन का यूज करते, फिर सब्जेक्टिव केस इसलिए रखते क्योंकि इधर का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ हो रही होती है, इसलिए वो सब्जेक्टिव केस में होता है। क्लियर हो गया रूल नंबर वन, आगे बढ़ते हैं रूल नंबर टू की ओर। रूल नंबर टू जो है वो है कि अगर किसी पॉजिटिव डिग्री का आप यूज करेंगे, बीच में कोई कंजंक्शन लेंगे तो बाद में पॉजिटिव डिग्री आएगा, ये रूल टू की बात है। अगर किसी कंपैरेटिव का यूज कर रहे हैं, कोई कंजंक्शन से जुड़ा है, बाद में कंपैरेटिव आएगा। अगर किसी सुपरलेटिव का यूज करेंगे, बाद में कोई कंजंक्शन की एडिंग है तो बाद में सुपरलेटिव डिग्री आएगा, ये रूल नंबर टू कह रहा है। एग्जाम्पल क्लियर है, मोहित इज वाइज एंड इंटेलिजेंट, यानी वाइज भी पॉजिटिव एंड इंटेलिजेंट भी पॉजिटिव। नेक्स्ट है मोहित इज वाइजर एंड स्ट्रॉन्गर, तो वाइजर भी कंपैरेटिव एंड स्ट्रॉन्गर भी कंपैरेटिव। इस प्रकार से दोनों एग्जाम्पल क्लियर है। एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज लाल इज द बेस्ट एंड वाइजेस्ट, यानी बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है और एंड के जस्ट बाद आपने सुपरलेटिव डिग्री वाइजेस्ट के रूप में रखा है। क्लियर है, आइए रूल नंबर थ्री की ओर बढ़ते हैं। रूल नंबर थ्री कह रहा है, रूल नंबर थ्री कह रहा है अवॉइड यूजिंग डबल कंपैरेटिव आइदर डबल सुपरलेटिव, अवॉइड यूजिंग डबल कंपैरेटिव आइदर डबल सुपरलेटिव। क्लियर है, तो अगर मैं ऐसा कहूं कि he is more wiser, तो एक्चुअली आपने more भी यूज कर लिया, wiser भी यूज कर लिया, या he is wiser than रवि, समझिए इस बात को, ये more wiser double comparative है और wiser जो है वो मतलब already comparative है, तो ये तो गलत हो गया ना, आपको prefer करना पड़ेगा wiser को, बात समझ में आ रहा है। इस तरह से डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव का यूज आप ना करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, ही इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट या ऑब्लिक स्ट्रॉन्गेस्ट, तो ऐसे सेंस में आप क्या करेंगे कि डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव का यूज नहीं करेंगे। तो द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑलरेडी सुपरलेटिव है, आप मोस्ट भी आप लगा रहे हैं उसमें, तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए He is the strongest, बाद में जिसके साथ comparison है आप लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए रूल नंबर फोर, comparatively oblique relatively मैंने लिखा, फिर पॉजिटिव डिग्री का यूज करना है, comparatively and relatively के बाद पॉजिटिव डिग्री का यूज करना है। सिंपल सा बात है कि comparatively and relatively is not followed by any comparative degree, ये बात याद रखेंगे कि comparatively and relatively is not followed by any kind of comparative either superlative degree, actually सभी form में एक ही बात होते हैं। तो पहला example देखेंगे, the weather is comparatively bit hotter oblique hot today, तो simple सा बात है कि आप comparatively के just बाद hotter नहीं लेंगे, hot लेंगे, क्योंकि positive degree लेना है मुझे। next example, his performance is relatively better oblique good than any other student, sorry any other contestant, तो उनकी परफॉर्मेंस किसी और कंटेस्टेंट से ज्यादा अच्छा है। इस सिलसिले में आप यहां पे
बेटर का यूज ना करके गुड का यूज करेंगे. क्यों? क्योंकि कंपैरेटिवली एंड रिलेटिवली के बाद हम पॉजिटिव डिग्री रखते हैं. गॉट द पॉइंट? आइए रूल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं. रूल नंबर 5 सिंपल सा बात है, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री देन प्लस पॉजिटिव डिग्री. ये स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन पर है, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री देन प्लस पॉजिटिव डिग्री. और ये फॉर्मूला आप तब यूज करेंगे जब किसी वन एक ही पर्सन या एनिमल के गुणों को, यानी एक से अधिक गुणों को जब आप दर्शाते हैं. समझिए इस बात को कि अगर मैं कहूं कि आप बुद्धिमान हैं, साथ ही साथ आप सुंदर भी हैं, तो आप देखिए एक बुद्धिमता की जो क्वालिटी मेंशन किया जा रहा है, यानी जो बुद्धिमान विजडम का यूज करेंगे, वॉइस का यूज करेंगे, एक एडजेक्टिव ऑलरेडी है, फिर आप उसे स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं या इंटेलिजेंट भी बना रहे हैं, तो दो दो क्वालिटी एक ही व्यक्ति का बता रहे हैं. बट उसी में थोड़ी कंपैरिजन कर रहे हैं आपकी, पढ़ने से ज्यादा खेलने में तेज है, बोलते हैं ना इस तरह से. तो जब क्वालिटी दो में उसमें थोड़ी कंपैरिजन करेंगे तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, और सेम पर्सन इन काइंड का होना चाहिए. तो ही इज मोर वॉइस देन हैंडसम. आपका एग्जाम्पल नंबर पहला है, ही इज मोर वाइज देन हैंडसम. क्लियर? स्क्रीन पे ये बात दिख रहा होगा. तो मोर आपने ले लिया, वाइज पॉजिटिव डिग्री, फिर देन आ गया एंड हैंडसम पॉजिटिव डिग्री. करेक्ट है ना सेंटेंस? क्लियर हो गई? तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे. शंपा इज मोर ब्यूटिफुल देन इंटेलिजेंट. ब्यूटिफुल एंड फिर आपने इंटेलिजेंट का भी यूज कर लिया. इस तरह से दो दो क्वालिटी एक ही व्यक्ति का आप कंपेयर कर रहे हैं. जब आप कंपेयर कर रहे हो तो इस फॉर्मूला का यूज आप कर सकते हैं, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री देन प्लस पॉजिटिव डिग्री. आइए, आप इसे यहां थोड़ी कंफ्यूज हो सकते हैं आप, कि अगर मैं सेंटेंस को लिखूं ही इज मोर इंटेलिजेंट देन ब्यूटिफुल, अगर इस तरह से सेंटेंस को लिखा जाए तो आपको लगेगा सर इंटेलिजेंट और मोर लग के ये टोटल कंपैरेटिव बन गया. तो ऐसा है कि एक तरफ कंपैरेटिव बाद में पॉजिटिव, ये तो हो नहीं सकता. तब आपके ब्रेन में ये फॉर्मूला आना चाहिए कि सर ने वही फॉर्मूला में सेंटेंस लिखा जो ऑलरेडी इस तरह के फॉर्मेट में है, यानी ये मोर हो गया, फिर आपने इंटेलिजेंट को पॉजिटिव डिग्री लेना है, देन के जस्ट बाद फिर आपने ब्यूटीफुल रखा, वो भी पॉजिटिव है. क्लियर हो गया इस तरह से? आइए तो रूल नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं. एग्जाम्पल रूल 6 की ओर बढ़ते हैं, बस एक दो मिनट और. सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, अल्टीरियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, प्रेफर, एल्डर के साथ हम लोग टू का प्रयोग करते हैं इंस्टीड ऑफ देन. यानी टू का प्रयोग करेंगे किसके साथ? सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, पोस्ट, ये सारे टर्म के साथ प्रेपोजिशन टू आती है, देन नहीं आता. फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दिस सेट इज इंफीरियर टू दैट ऑफ योर्स. इंफीरियर के साथ आपने टू लगा लिया, करेक्ट सेंटेंस है ये. नेक्स्ट है, दे आर जूनियर टू मी, या दे आर जूनियर टू मोहित, वे लोग मोहित से जूनियर हैं. तो देन आपने इनकरेक्ट किया है, टू को करेक्ट किया है. क्लियर है? स्क्रीन पे पूरी चीजें हैं, आप एक बार इसे देख सकते हैं, समझ में आ जाए. एंड द लास्ट रूल फॉर दिस सेशन इज फॉर्मर, हिंडर, अपर, इनर, आउटर, ये सबका कंपैरेटिव फॉर्म नहीं होता, ये ऑलरेडी डिग्री फॉर्म में अपना हर जगह इक्वल फॉर्म में यूज होते हैं. इनके कोई पॉजिटिव या सुपरलेटिव या कंपैरेटिव फॉर्म नहीं होता. लास्ट में एक और मैंने लिखा है, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, राउंड, ट्रायंगुलर, यूनिक, एक्सट्रीम, डेड, ये सब का भी डिग्री के फॉर्म्स नहीं होते, दे डोंट हैव डिग्रीज, डिग्री ऑफ कंपैरिजन. ओके, आइए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं. हिज आइडिया इज यूनिक, करेक्ट है. अगर मैं कह देता हिज आइडिया इज मोर यूनिक तो इनकरेक्ट हो जाता. योर आइडिया इज मोर यूनिक, देखिए मैं नेक्स्ट सेंटेंस इनकरेक्ट रखा है. क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखेंगे तो है, दिस चेयर इज राउंडर देन दैट. तो राउंडर शब्द ही गलत है, राउंड, राउंडर, राउंडेस्ट नहीं होता, राउंड ही हर फॉर्म में यूज होते हैं. तो यानी राउंडर ना होकर के आप राउंड रख सकते हैं.
नेक्स्ट है द मोस्ट मेजर प्रॉब्लम, ये सरासर गलत है, मैंने कहा था माइनर मेजर के साथ कोई मोर मोस्ट का प्रयोग कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बनाने के लिए यूज नहीं करते हैं, क्लियर है। इस प्रकार से एडजेक्टिव की मोस्ट ऑफ द सेक्शन मैंने क्लियर कर दिया, और अब किसी दूसरे सेशन में हम ग्रामर के न्यू टॉपिक्स को यानी न्यू चैप्टर को लेकर के आपके समक्ष हाजिर होंगे, क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई चैप्टर के साथ, थैंक यू वेरी मच।